मैं सबसे बड़ी मेरी खुशी का राज पता क्या है, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ। आज तक इंडिया से अफगानिस्तान कभी नहीं जीता है, क्या वजह है? प्रेशर में रहते हैं या वफादारियां हैं? लोग कहते हैं इंडिया के खिलाफ उन्होंने कभी एफर्ट की ही नहीं। क्यों? अफगानिस्तान बाकी सारे अफगानिस्तान की जो एफर्ट्स होती है ना पाकिस्तान के खिलाफ होती है। ये बैठ लग गया पाकिस्तान। देखिए ये अब लोग ही समझते हैं। इंडिया के सामने कौन खड़ा हो सकता है? बाप के सामने कभी? क्या रे, कल ही तो बताया था तेरे को। अबे बाप बेटे का नहीं, चाचू है वो तुम्हारा चाचू, बेटा तो तुम हो। बेटा तो तुम हो, जाके देख रिकॉर्ड में, हिस्ट्री पढ़ के देखना अफगानिस्तान की तारीख कब की है और भारत की भी, भारत वर्ष की, तब पता चलेगा कौन बाप है, कौन बेटा है और कौन चाचू। बुमराह की वाह वाही तो सुनेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानियों को ये बात बहुत दुख रही है कि विराट कोहली लगातार मुसलसल 4 मैचों में नहीं चल रहे, फिर भी यहाँ पर हड़कंप क्यों नहीं मचा हुआ? हमारे बाबर के तो लोग पेट्रोल लगा देते हैं। ये जीतने वाली नस्ल में से ही नहीं है, पाकिस्तान के अलावा जितनी भी टीम है उन सब की सपोर्ट में बात करनी है, पाकिस्तान की टीम की सपोर्ट में कभी जिंदगी में बात नहीं करनी, ना कभी उनको सपोर्ट करना है। हम हिंदुस्तानी कोहली को कोस क्यों नहीं रहे? चलिए पहले इनका यही कीड़ा मारते हैं। कंपैरिजन होता है बाबर का और कोहली का, तो अब जिस तरह इस वर्ल्ड कप में 4 मुसलसल मैच हो गए ना नहीं चले, विराट कोहली ने 23 स्कोर किया बस, तो अगर बाबर कभी नहीं चल रहा तो लगता है कि पूरा एक क्रिटिसिज्म का एक तूफान आ गया है। कोहली सब कहते हैं बड़ा खिलाड़ी है, बाबर से बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन भाई तो वहां तो नहीं इतना क्रिटिसिज्म का तूफान आया। जल रही है ना, इंडिया में भी होता है, तमाशा नहीं दिखाते बेटा, इंडिया में भी होता है, वो अंदर की बात है, आपस की बात है, उनको भी लपेटे में लेंगे अगर वो कुछ ऐसा वैसा करेंगे, लेकिन तमाशा नहीं करने का जैसा बाबर करता है, हैरी श्रॉफ करता है। नहीं, कोहली के पीछे परफॉर्मेंस है मेन चीज, उनकी टीम में 5 ओपनर नहीं खेल रहे, एक तो ये चीज है, दूसरे उनके पास बॉलिंग कंप्लीट है, स्पेशली उनके जो स्पिनर्स हैं। फिर विराट कोहली के ICC इवेंट के रिकॉर्ड आप देखें, जाके देख रिकॉर्ड में, एवरेज उसकी 67 की है। इंडिया के पास एडवांटेज बहुत है, उसने कई मैचेस जितवाए हुए हैं, तो कंडीशन टफ थी, कोई फर्क नहीं पड़ता विराट कोहली के लिए, उसको पता कि मेरी टीम जीत रही है, प्लेयर्स भी पीछे पड़े हुए हैं। पॉइंट समझ में आया, उसको दिखता है कि प्लेयर पीछे पड़े हैं, तुम्हारे बाबर की तरह से चौक बनकर, सड़क के बीचों बीच नहीं होता चौक, ठीक है, ऐसा बन के खड़ा नहीं हो जाता। सामने वाले की बॉलिंग समझ में आ रही है तो ठीक है ठोको, वरना पीछे और भी है। जैसे सूर्य कुमार यादव, आने दो उनको, समझा, जीतने देता है। फॉर्म जो होता है वो टेम्परेरी होता है, क्लास उसकी परमानेंट है, सही है, एक दो शॉट आज ऐसे। अगला पॉइंट, क्लास है कोहली क्लास, और बाबर विराट कोहली आई लव यू। विराट कोहली ने 23 स्कोर किया बस, विराट कोहली चाहे 2 स्कोर क्यों ना करे, वो उसका प्रेशर इतना है। अभी रोहित और विराट नहीं चल रहे, फिर भी टीम इंडिया जीत रही है। यार रोहित और विराट चलेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बड़े मैचेस के, बड़े मैदान में चलते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ। चलो ठीक है, कोहली अभी बहुत हुआ, अभी शुरू हो जाओ, मोगेम्बो खुश होना चाहिए, अगर नहीं हुआ ना तो हिसाब लगा लेना, करो तारीफ बुमराह की। आप उन सुन रहे ले, 4 ओवर में 7 आज देख लो, 3 विकेटें, 3 विकेटें मिलेगी। कहने की एक ऐसा सांप है जो ऐसी कुंडली मारता है कि कोई बैट्समैन उसकी कुंडली से निकल नहीं पा रहा। ना 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 ना, मेरी बात सुने, आप कुंडली या सांप ना कहें जनाब, और वो हीरा है, वो इंडिया के लिए एक बेहतरीन हीरा है, उस हीरे को हम कभी भी किसी भी वक्त जो है वो यूटिलाइज इंडिया कर सकते हैं। पाकिस्तानी बॉलर है, उन्हें देखो, छोटी टीम 20 स्कोर, बड़ी टीम 50 स्कोर, ये देख के छोटी टीम 4 ओवरों में 7 स्कोर 3 विकेट। यार बुमराह ने आते जो विकेट लिए, तो यार कुलदीप ने जो विकेट लिया, यार इंडिया ने बता दिया अफगानियों को, बता के इंडिया ने पूरी टीमों को बता दिया कि बाप कौन है। अफगानिस्तान ने जैसे न्यूजीलैंड को 73 पे पूरी टीम को आउट किया, उनकी कोशिश थी कि आज फिर से हम इंडिया को भी हरा देंगे, लेकिन उनको नहीं पता आगे सामने कौन खड़ा है। क्या इंडिया, क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी बज गई है, के लिए जिस तरीके से एक खूनखवार शेर बन के आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी तब भी बज गई थी जब 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप वो लोग आ रहे थे, तब से इंडिया ने जो है T20 वर्ल्ड कप की तैयारी पकड़ ली थी। मुझे ऐसा लगता है भाई इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। इंडिया का बहुत बड़ा लेवल है, पाकिस्तान तो उनके पास से भी नहीं गुजरता। जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने एंट्री मारी है, आगे बता दिया कि वजन हट जो पीछे, हमने ये वर्ल्ड कप उठा के लेके जाना है इंडिया। रिजवान को देख लें, सिंगल सिंगल चौका सिंगल 50 काट लिया, अब आम को बल्ला दिखा दिया कि हमने 50 काट लिया, और साढ़े तो सहन किया। बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मैं सबसे बड़े मेरी खुशी का राज पता क्या है,
मैं पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ। फिजा सुन ले, अगर तू भी खुश रहना चाहती है ना, इस रोने धोने से छुटकारा चाहती है, तो खुश कर दे इंडिया को। सारा दिन मोदी इंडिया भारत रामत किया कर। चल भाई आगे बोल। बेशक आज मुझे पाकिस्तान से इंडिया की किट नहीं मिल रही, लेकिन मैंने ये ब्लू टाइप जर्सी पहनी है ताकि मैं इंडिया को सपोर्ट कर लूं। यार आप ये देखे, अफगानिस्तान जैसी टीम को नाखून चबाने वाली हार है रही आज। वो भाई बच्चे हैं अफगानिस्तान, उन्हें क्या पता है कि भाई अफगानी आप न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं। आप ठीक है न्यूजीलैंड भाई आपने एक दफा हरा दिया तो आप ये समझेंगे कि शायद आप इंडिया को भी हरा देंगे। इंडिया की भाई बैटिंग आज टॉप ऑर्डर थोड़ा सा लटखड़ाता हुआ नजर आया, नो डाउट। लेकिन जनाब हम बात कर रहे हैं यहाँ सूर्य कुमार यादव की और हार्दिक पांड्या की, स्पेशली इनकी नुमाया बैटिंग देखने को मिली है, जिन्होंने परफॉर्म किया, जिन्होंने आके बागडोर क्रिकेट की संभाली और जनाब उन्होंने परफॉर्म 181 तक स्कोर लेके। बिल्कुल बड़ा ये लोग करते हैं ना कि भाई अग्रेशन दिखाते हैं। नवीन लक बड़ा विराट कोहली को आईपीएल के तरह अग्रेशन दिखाता था, गुस्सा करता था, ये करता था। आज आपको कोहली गोज डाउन द ग्राउंड वाली छक्का वाली शॉट नजर आई आपको, मारी भी किसको है नवीन लक को, किसने मारी है विराट कोहली को। यार विराट कोहली बेशक परफॉर्म नहीं किया, उसका जो आज 23 या 24 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन था ना, वही बहुत बड़ी चुपेड़ है अफगानिस्तान के लिए। ठीक है, जज्बाती बॉलर है वो, ऊपर से अपनी उनकी लैंड लेंथ जो है वो उसने वहीं रखी है। ठीक है, अच्छा क्लास का बॉलर है और ऐसा बॉलर के नाम है पाकिस्तान को भी चाहिए कि होना चाहिए। तो पाकिस्तान में पहली बात है हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, ये कभी भी विराट कोहली का वो चैलेंज नहीं कर सकते, ना बाबर आजम ना वो रिजवान। आप बड़े में यूज खड़े हुए हो। सही कह रहे हैं भाई, पाकिस्तान से बस ये करवा लो, शो करवा लो, फलाने करो, तस्वीरें खिंचवा लो, बस इनको यही आता है और कुछ नहीं। जीत नहीं सकते ये मैच, ये बस हमेशा नाक ही कटवा सकते हैं, नाक ही कटवा सकते हैं। इंडिया के बैट्समैन ब्रांड है विराट कोहली जैसे हो गए, देखे उनकी मतलब क्या। आप उम्मीद लगा के बैठे हुए कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी पूरी दिलो जान से जज्बा जितना भी है इंडिया के साथ ही है और हम सपोर्ट भी इंडिया को कर रहे हैं। विराट कोहली आई लव यू। बहन और भाइयों, तारीफ अफगानी टीम की भी बनती है, वेल प्लेड, बहुत शानदार खेली। बैटिंग को साइड में करते हैं लेकिन बॉलिंग लाजवाब। किसी भी ये टीम किसी भी टीम की कितनी भी तकड़ी टीम की अपोनेंट कैसा भी हो उसे पलटने की काबिलियत रखती है। यार देखो, जब भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है परफॉर्म करता है और जीतने की कोशिश करता है, जैसे इंडिया डोमिनेट करता है। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 73 पे ऑल आउट किया है पूल मैच में, तो आप फॉर ग्रांटेड को किस तरह ले सकते हो। एक वो टीम जो इस टाइम पूल में टॉप कर रही थी, तो अफगानिस्तान ये इंडिया का ही काम था अफगानिस्तान को पकड़ना, उसके अलावा कोई टीम। मेरे फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आप इस टाइप की वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम आपके लिए लेके आएंगे। इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।